साउथ की तैयार कहानी को उठाकर बॉलीवुड के बड़े हीरो से हूबहू नकल करवा कर भी शायद बॉलीवुड की किसी फिल्म में वो रंग नहीं दिख रहा। तो ऐसे समय में एक ऐसी असल कहानी आने को तैयार है जिसे देखकर आपका भी दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएंगे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं मट्टो की साइकिल की। राजनीतिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सुपरहिट फिल्में देने वाले अपनी उम्दा और वास्तविक कहानियों से लोगों को बड़े पर्दे पर समाज का आईना दिखाने वाले प्रकाश झा अब एक्टिंग के फुल स्विंग में नज़र आने वाले हैं। बात करें अगर उनके पुराने काम की तो बॉलीवुड को अपहरण, राजनीति, आरक्षण और आश्रम जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्में और वेब सीरीज दी हैं और इसे डायरेक्ट किया है एम गनी ने। जी हाँ, एम गनी इससे पहले फिल्म गुब्बारे भी बना चुके हैं। मट्टो की साइकिल एक उम्मीद की कहानी है। मट्टो एक दिहाड़ी मजदूर है जो अपने चार सदस्यों के परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए साइकिल से शहर जाता है। फिल्म में बताया जाता है कि कैसे वो और उसका परिवार जीवन के साधारण सुखों पर बातचीत करते हैं। फिल्म की कहानी रोज़मर्रा के ऐसे लोगों पर आधारित है जिनके संघर्षों को आम तौर पर समाज द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अपनी रोज़ की वही ज़रूरतों से जूझते हुए मट्टो की ज़िंदगी चल ही रही थी कि उसकी साइकिल एक ट्रैक्टर कुचल कर चला जाता है जो उसकी एकमात्र दुनिया है। ट्रैक्टर ने सिर्फ साइकिल ही नहीं बल्कि मजदूर का हौसला भी तोड़ दिया होता है। दो दो बेटियों का बाप और बेटियों की शादी तो छोड़ो, घर में राशन लाने तक के पैसे न होना, ऐसे में मजदूर और उसका परिवार किन किन हालातों का सामना करते हैं ये सब इस फिल्म में देखने को मिलेगा। प्रकाश झा की अदाकारी ने सभी की आंखें नम कर दी हैं। एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त। फिल्म में प्रकाश झा के अलावा मथुरा के प्रतिभाशाली थिएटर आर्टिस्ट अनीता चौधरी, डिम्पी मिश्रा, आरोही शर्मा और इधिका रॉय भी हैं। तो साइकिल के जाने के बाद अब शुरू होता है बिना उम्मीद का धुंधला सफ़र, साथ ही कई सारे सवाल कि आगे क्या होगा, क्या मट्टो नई साइकिल खरीद पाएगा, बिना साइकिल के दिहाड़ी कमाने में और क्या नई परेशानियां आएगी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब खोजती दिखती है यह फिल्म। बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की विंडो ऑन एशियन सिनेमा श्रेणी में इस फिल्म को शुक्रवार को इंटरनेशनली प्रीमियर किया गया और भी कई सारी तारीफों के बाद यह मजबूत फिल्म 16 सितंबर को रिलीज़ होने को तैयार है। हमें तो बहुत टाइम बाद एक अच्छे अभिनय और सदी हुई कहानी की फिल्म आती दिख रही है। आप बताएं आपको मट्टो की साइकिल का ट्रेलर कैसा लगा। शुक्रिया।